नमस्ते, मेरा नाम युग है और मैं कक्षा पांचवी का छात्र हूँ। आज हम पढ़ेंगे नीति के दोहे। कुछ संतों ने अपनी वाणी में अनेक प्रकार की सिद्धि दी, जिन्हें हम दोहे एवं पुनरियों के रूप में पढ़ते। प्रस्तुत दोहे में इसी प्रकार की सिद्धि को समझाया है। गुरु गोविंद दोहो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे का यह अर्थ है कि एक तरफ गुरु खड़े हो और दूसरी तरफ भगवान यानी गोविंद खड़े हो तो आप सबसे पहले किसे प्रणाम करेंगे। यहाँ पे कबीर दास भी हमें सीख देते हुए यह कहते हैं कि हम सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमें गोविंद अर्थात भगवान की पहचान कराई। भगवत फल नहीं खास है, सर्वर की अतना पान, कही रही जो काज की संपत्ति सची सुजान। इस दोहे का अर्थ यह है, जिस तरह पेड़ अपने फल नहीं खाते, तालाब अपना पानी नहीं पीता, उसी तरह जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग, वो अपनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं और दूसरों की मदद के लिए उन्हें देते हैं। तो रही उत्तम प्रकृति का कई सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपते रहत भुजंग। इस दोहे का यह अर्थ है, जैसे चंदन की पेड़ों पर सांप लपटे रहते हैं पर उनका विष का प्रभाव चंदन की पेड़ों पर नहीं होता, इसी प्रकार अच्छा इंसान बुरे समय में भी अच्छा रह सकता है, उसे बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपू शीतल। इस दोहे का अर्थ यह है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि दूसरों के भी मन को शांत रखे और हमें भी अच्छी लगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगी बहुरी करेगा कब। इस दोहे का अर्थ यह है कि अपना कार्य आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले एक पल में क्या अनहोनी हो जाए किसी को पता नहीं, इसीलिए अपना कार्य आज ही समय पर कर लेना चाहिए और करके भरोसे नहीं रखना चाहिए। समय दिशा कुल देख के लोग करते सम्मान, रहीमन दीना नाथ को तुम बिन को भगवान। इस दोहे का यह अर्थ है कि समय दशा और कुल देखकर लोग हमारा सम्मान करते हैं और रहीम दास जी यहाँ पे कहते हैं, भगवान आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, इसलिए मेरा हाथ हमें रखना और मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। विद्या धन उद्यम बिना कही जुपावे कौन, बिना हिलाए डुलाए न मिले जो पंखा की पौन। इस दोहे का यह अर्थ है कि हमें विद्या और धन बिना मेहनत के नहीं मिलती, उसी प्रकार अगर हमारे हाथ में पंखा है, हम उसे बिना हिलाए डुलाए उसकी हवा हमें नहीं मिल सकती।